नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है। हो सकता है कि बीते दिन पहले आपने सुना हो, देखा हो और शायद जाना भी हो कि एक नए संसद भवन का निर्माण यानी कि शिलान्यास फिर से होने जा रहा है। कैसे कह सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, बीते वक्त की जो हालात हैं, जो मौजूदा वक्त के हालात हैं, वो क्या स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं। एक तरफ किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है कि सारा देश जो है वो टाटा अंबानी बिटला यानी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। सीधे तौर पर कहें या समझाने की कोशिश करें या दिखाने की कोशिश करें तो ये बातें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं पूरे समाज में। भारत में ही नहीं बल्कि अब ये स्थिति आ गई है कि इसकी स्थिति अब विदेशों में भी लगातार घूम रही है। हालांकि हम बात करें अब संसद भवन की, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को कर दिया है। हालांकि इसकी आन क्यों पड़ी, ऐसा क्यों किया गया कि जो मौजूदा वक्त में संसद है और जो अब संसद तैयार होगी उसमें क्या ऐसा अलग है और क्यों किया गया। मुद्दे की बात करेंगे तो मुद्दा सीधा है और फिर से आपको बता दें सरल है कि आपने देखा होगा और समझा भी होगा कि जब स्थितियां या परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कार्य सामान्य तौर पर किए जाते हैं, लेकिन संसद भवन की बात करें तो मौजूदा वक्त में इसमें 971 करोड़ रुपए की लागत से फिर से इसमें शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन वहीं पर जब इसमें पहले शिलान्यास यानी कि पहले के संसद का निर्माण किया गया था तो उसमें मात्र 83 लाख रुपए में कार्य पूरा हो गया था। कितनी सीटें थी, कितने सीटें नहीं थी, आप ये वीडियो लगातार देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान में कितने सीटें हैं और नए संसद में कौन सी सीटें हैं और इसका मुख्य कारण क्या है। आखिर तो बता दें कि स्थितियां जो वर्तमान समय में हैं, 543 सीटें हैं लोकसभा में और 245 सीटें हैं राज्यसभा में। 543 सीटें और 245 सीटों को मिलाकर के जो स्थिति है वो सामान्य में दिख रही है, लेकिन 75वीं वर्षगांठ 2022 यानी कि आजादी के जो साल 75 हो जाएंगे उसकी वर्षगांठ के मौके पर इसका फिर से एक नए संसद का देखने को मिलेगा। जो संसद है इसमें अगर बात करें तो 888 लोकसभा की सीटें रहेंगी और 384 राज्यसभा की सीटें रहेंगी। अगर हम दोनों का आकलन करें या दोनों का मेल करें तो तकरीबन 1224 सीटें होंगी जिसमें संयुक्त हम कह सकते हैं। हालांकि एडमिन लुटियंस तथा एडवर्ड ने जो डिजाइन दिया था उसके तौर पर यह सब किया गया था और कई सारा समय लगा था, हालांकि कह सकते हैं कि 2 साल कुछ माह लगे थे, लेकिन हजारों भारतीयों की इसमें जो कड़ी मेहनत लगी थी वो किसी से छिपा नहीं है। डिजाइन कह सकते हैं कि बाहर के लोगों ने दिया, लेकिन उसमें एक एक कड़ एक एक ईंट की जो रखी गई उसमें भारतीयों मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। 12 फरवरी 1921 यानी कि उस समय का जो वक्त था, तब ये हालात चल रहे थे कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, तब ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसको आधारशिला रखी थी। उसी समय रहा लगभग, तकरीबन कह सकते हैं उस समय 6 साल में इसमें 83 लाख रुपए लगा। हालांकि मौजूदा वक्त में 971 की करोड़ की लागत है, लेकिन उसमें अब 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा जो पुराने संसद की तुलना में। हालांकि लोकसभा का जो आधारशिला है वो अब इस भवन से 3 गुना ज्यादा होगा। कैसी स्थिति है, ये 4 मंजिला की इमारत अब तैयार होगी जिसका शुभारंभ 10 दिसंबर 2020 को किया गया है और अब जो सीधे तौर पर देखने को मिलेगा वो 75वीं यानी कि आजादी के 75वीं गांठ पर आपको 2022 में पूर्ण रूप से मिलेगा। ये तो बात हो गई हालांकि संसद की जो निर्माण कराया गया, लेकिन एक स्थिति है, एक सामान्य से स्थिति है, आपने सोची होगी, शायद देखी होगी और समझी भी होगी कि अगर परिवार का मुखिया होता है, अगर उसके 5 बेटे और 5 बेटियां या 3 बेटे 3 बेटियां या जितने भी हो सकते हैं
उसमें अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसका पिता या माता सबसे पहले उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती हैं, बजाय ऐसी स्थिति या ऐसे कार्य करने के जो उनके पुत्रों से संबंधित वर्तमान में ना हो। कैसे ना हो, कैसे अब जिक्र करें? जहन में सवाल आ रहा होगा कि इस बात को बताने का मतलब क्या है आपकी? तो सीधे तौर पर आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं। उन मुखिया का सबसे बड़ा मकसद और उद्देश्य और हिमाकत या कह सकते हैं अपने शब्दों में जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक की देखभाल, रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था, खाने पीने, रहने, सुरक्षा, सभी चीजों की देखभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, कह सकते हैं उनकी कमान, जो सारे विभागों की कमान है वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हाथ में है। वहीं एक तरफ जो किसान यानी कि देश की जो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो सीधे तौर पर परेशान है, यानी कि सबसे बड़ा तंत्र, सबसे मजबूत तंत्र वो है किसान। उसी को नजरअंदाज करके अब ऐसे कार्यों को शिलान्यास किया जा रहा है, ऐसी चीजों को मीटिंग करी जा रही है जिनका मौजूदा वक्त में ना कि किसानों से मतलब है ना ही आम जनता से मतलब है। हालांकि कह सकते हैं कि दिखावटी दुनिया या अन्य तरीकों से उनका कहीं ना कहीं मतलब जरूर है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे जो आधार रखे गए हैं किसानों के, वो सीधे तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो बयान हैं, जो कई सारे बयानबाजी हैं, आपने सुना होगा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जिनका 3 कानूनों को वापस लेने की मांग चल रही है, वो स्थिति अभी बदहाल ही बनी हुई है। गफलत फैला रखी है लोगों ने कि अब ऐसी स्थिति शायद दोबारा नहीं आएगी, लेकिन कई बार मीटिंग होने के बावजूद भी अब निर्णय नहीं निकल पा रहा है। हालांकि किसान एक तरफ सीधे तौर पर अड़े हुए हैं कि कहा जा रहा है कि वो जब तक किसान सरकार अपना बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम यहां अड़े रहेंगे, लेकिन अब सरकार का सीधे तौर पर यह कहना है कि बिल वापस नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन जरूर किया जा सकता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थितियां होंगी किसानों को लेकर, क्या स्थितियां होंगी सरकार को लेकर, वो तो वक्त की बातें हैं साहब। एक बार ये वीडियो देखिए और समझिए कि आखिरकार नए संसद भवन का विनिर्माण कैसे होगा और किस तरीके से दिखाई देगा। हालांकि पहले भी आपने तस्वीरों में देखा है, फिर से हम एक बार आपके सामने हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर ये वीडियो समझ में आया हो या जानकारी मिल पाई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। हाँ है, नए संसद भवन का निर्माण पुराने संसद भवन के करीब 64,500 वर्ग मीटर भूमि में किया जाएगा। नए भवन की एक बेसमेंट भूतल पहली और दूसरी मंजिल होगी। नए भवन की ऊंचाई को पुराने भवन की ऊंचाई बराबर ही रखा जाएगा, इससे दोनों भवनों में समरूपता नजर आएगी। साथ ही नए भवन की बाहरी प्रदेश पुराने भवन के जैसा ही तैयार किया जाएगा। नए संसद भवन में 1,224 सांसदों के बैठने की क्षमता होगी। इसमें